आज बनाने वाले हैं मिक्स वेज पाव भाजी। और इस पाव भाजी को जो बनाने का प्रोसेस है उसको मैंने लेंथी ना करके थोड़ा सा छोटा कर दिया है, मतलब आलू उबालने के बजाय मैंने यहाँ इस प्रोसेस से इस रेसिपी को बनाया है कि जो रेसिपी हमारी है वो थोड़ी सी जल्दी बन जाए। यानी कि एक पैन में मैंने पूरी की पूरी पाव भाजी बनाई है। अब मेरी पाव भाजी देखकर तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, भाई ठंडी की सीजन है और सारी सारी सब्जियां मिल जाती हैं, तो भाई एक बार तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। आप पाव को छोड़कर इसे पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। इसी के साथ एक बार पाव भी दिखा देते हैं। ये रहा हमारा मसालेदार पाव, और बस इसी के साथ बनाई है हमने पाव भाजी। उम्मीद है कि मेरी ये झटपट से बनने वाली मिक्स वेज पाव भाजी आपको जरूर पसंद आएगी। तो इसके लिए दो मीडियम साइज के आलू लेंगे और इसको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेंगे। हर चीज हमें यहाँ पर छोटी छोटी काटनी है, क्योंकि हमें जो इसका प्रोसेस है वो लेंथी नहीं रखना है, झटपट से बन जाए, ज्यादा टाइम भी ना लगे और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा आए। तो भाई इस तरीके से आप काटिएगा। अब आलू हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब फिर से लेंगे चॉपिंग बोर्ड और लेंगे यहाँ पर दो गाजर और इसको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेंगे। बस हमको सारी सारी चीजें छोटी छोटी काट लेनी है। अब गाजर भी हमने काट लिया है, तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक पैन रख देते हैं। अब इसमें आलू और गाजर डाल लेंगे, इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी गोभी, मैंने इसे भी छोटा छोटा काट लिया था। अब इसमें डालेंगे लगभग एक गिलास जितना पानी, तो पानी क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ाकर रखिएगा, क्योंकि पानी के साथ ही हमें सारी सारी सब्जियां मैश करनी है। अब डाल देंगे इसमें डेढ़ कप जितनी मटर, इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक लगभग मैंने यहाँ पर आधा टेबल स्पून जितना डाला होगा। अब इसको ढककर हम लगभग 5 से 6 मिनट पकाएंगे। जब तक सब्जियां हमारी पक रही हैं तब तक थोड़ी सी हम तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज और इनको बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। तो एक प्याज रख लेते हैं और इस तरीके से इसे हमें काटना है। बस यहाँ पर सारी सारी सब्जियां हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। इससे जो हमारी पाव भाजी है बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। पाव भाजी का सबसे ज्यादा स्वाद तभी आता है जब सारी सारी सब्जियां छोटी छोटी काटी हो और उसको अच्छी तरीके से मैश किया हो, थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आए और भाई पाव भाजी का स्वाद बढ़ाएं। तो सारा का सारा प्याज कट के रेडी है, तो फिर से ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड और लेंगे एक शिमला मिर्च, इसे भी बस बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। तो प्रोसेस एक ही है, सब चीजों को बारीक बारीक काटना है। शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिया है, तो बस इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब देख लेते हैं जो हमने सब्जियां उबालने के लिए छोड़ी थी उनका क्या हाल है। लीजिए भाई सब्जी हमारी पक चुकी है, फिर भी एक आलू उठाकर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि आलू पक गया मतलब सारी सब्जियां पक गई। आलू अच्छी तरीके से पक गया है, सब्जियां भी लगभग हमारी पक चुकी हैं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग सारी सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी हैं, तो बस अब इन्हें करना है मैश। तो लेंगे ये पाव भाजी मैश करने वाला मैशर और बस इससे हमें अच्छी तरीके से कर लेना है मैश। वैसे भी पाव भाजी इस सीजन में मिल जाए और वो भी मिक्स सब्जी के साथ, तो भाई स्वाद तो बढ़ेगा ही, सेहत भी बन जाएगी, यानी कि सारी सारी सब्जियां आपके पेट में एक साथ चली जाएंगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस सीजन में इस रेसिपी को बनाने का। और भाई पाव की जगह आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, तो और भी हेल्दी बन जाएगी। तो जैसे भी आप खाएं, फिलहाल मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्हें मैश कर लेता हूँ। अब सब्जियां अच्छी तरीके से मैश हो चुकी हैं, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब फिर से चलते हैं गैस की तरफ और इस पर फिर से वही पैन रख देते हैं जिसमें मैंने सब्जियां उबाली थी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, आपके पास कोई भी कुकिंग ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब इसमें डालेंगे मक्खन लगभग 50 ग्राम जितना होगा, इसी के साथ डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बस हमें कोई भी चीज़ जलानी नहीं है, उससे पहले ही सारी सारी चीज़ें इसमें डालनी है, और यही पाव भाजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है जिससे वो इतनी स्वादिष्ट लगती है। तो कोई भी चीज़ हमें जलानी नहीं है, सारी सारी चीज़ें पहले ही डाल देनी है। अब इसको हल्का सा हम भूनेंगे, 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने कहा क्या कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है, मतलब प्याज पर एक अच्छी तरीके से चमक आ जाए, समझिएगा जो प्याज है आपका भुन चुका है। अब प्याज पर एक अच्छी सी चमक आ चुकी है, तो बस अब डाल देंगे हम सब्जियां। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टमाटर डालेंगे, लगभग 2 मीडियम साइज के बिल्कुल लाल लाल टमाटर हैं, तो यही लेने हैं, हरे वाले टमाटर नहीं लेने हैं। इसी के साथ डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं, सिंपल से हमें 2 या 3 मसाले डालने हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो अब इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना होगा, इसी के साथ धनिया पाउडर ये भी लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, और नमक, बस इतने ही मसाले डालने हैं। अब सारी सारी सब्जियों को पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट। जी हाँ, बस यहीं पर हमको सब्जियों को थोड़ा सा पकाना है। पकाना क्या मतलब, जो टमाटर है और शिमला मिर्च है उसको गलाना है एक प्रकार से। पाव भाजी मसाला आपका जितना टेस्टी होगा उतनी ही टेस्टी ये पाव भाजी बनेगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल तो टाटा संपन्न का पाव भाजी मसाला यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बस यही पाव भाजी मसाला लिया है। फिलहाल इसमें जो मैंने सब्जियाँ उबाल कर मैश की थी उन्हें डाल लेते हैं, और अब इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं।
बस जितनी अच्छी तरीके से आप मैश करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से ये आपस में घुल मिल जाएंगी, उतना ही टेस्ट इस पाव भाजी में आएगा। तो आप अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा और बस यही काम आपको करना है मार्केट जैसा स्वाद लाने के लिए। आप चाहें तो पहले से सब्जियां उबाल कर रख लीजिएगा, जब कोई मेहमान वगैरह आना हो तो बस झटपट से बना लीजिएगा। इसको आप रोटी से सर्व करिएगा तब भी टेस्ट अच्छा आएगा, पूड़ी से सर्व करिएगा तब भी टेस्ट अच्छा आएगा, और ब्रेड के साथ सर्व करिएगा तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप जिससे चाहें उससे सर्व करिएगा। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, लगभग एक गिलास जितना डाला होगा। तो पानी हम धीरे धीरे करके डालेंगे, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि पानी की ज़रूरत है वैसे वैसे इसमें हम पानी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो जैसी भी आपको ग्रेवी चाहिए, वैसे भी इसमें जब चाहें तब आप पानी मिला सकते हैं। अब इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिलहाल इसको हम पकने देंगे लगभग 5 से 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट चाहें आप उतने मिनट पकाइएगा। लेकिन आपको घर पे बनानी है तो सिर्फ आप 5 से 6 मिनट पकाएं। सारी सब्जियां वैसे ही पकी हुई हैं, सिर्फ हमको इसका पानी पकाना है और जो इसके ऊपर का झाग है उसको ख़त्म करना है। अब भाजी लगभग हमारी बन चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। लीजिए भाई, हमारी मिक्स वेज भाजी तो बनके तैयार है, बस अब हमें सिर्फ पाव सेंकना है। तो पाव सेंक लेते हैं, तो ले लेते हैं एक तवा और बस इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा लेते हैं। और अब लेंगे एक पाव और इसके बीच में चाकू से एक चीरा लगा लेंगे, और जो मैंने भाजी बनाई थी उसको इसके अंदर भर देंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर रहा हूँ, तो आप जितनी चाहें उतनी भाजी भरिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। तो बस थोड़ा सा पाव का स्वाद बढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ। अब इसको इस तवे पर सेंक लेंगे, इसी के साथ लेंगे दूसरा पाव, इसमें भी एक बीच से चीरा लगाएंगे और इसमें भी थोड़ी सी भाजी डालेंगे। बस इन्हें हमें अच्छी तरीके से मक्खन में सेंकना है। पाव भाजी के लिए पाव सेंक के रेडी है, तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लेंगे एक प्लेट और इसमें डालेंगे थोड़ी सी भाजी, इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़े से प्याज के लच्छे, एक नींबू, इसी के साथ रख देंगे इसमें पाव और भाजी में डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। लीजिए भाई, बनके तैयार है हमारी स्वाद से भरी हुई पाव भाजी। उम्मीद है कि मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस सर्दियों के सीजन में इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करेंगे। जब भी ट्राई करें तो अपना हमें फीडबैक जरूर दें कि ये झटपट से बनने वाली पाव भाजी आपको कैसी लगी, और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो भाई कहना ना पड़े, इसे लाइक कर दें, हो सके तो भाई दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इतनी स्वादिष्ट रेसिपी अपने घर पर इंजॉय कर सकें।